यूट्यूब के लिए अगर आप लोग भी वीडियो बनाते हो तो कौन सा एप्लीकेशन से वीडियो को एडिटिंग करते हो, फिल्मोरा या काइनमास्टर, ये दोनों एप्लीकेशन आप भूल जाने वाले हो। एक ऐसा बेहतरीन एप्लीकेशन के मैं बारे में बताने वाला हूँ, 5 मिनट के अंदर में प्रो लेवल का वीडियो एडिटिंग करने के लिए सीख जाओगे। कभी भी आप नहीं किए हो वीडियो एडिटिंग, फिर भी इस एप्लीकेशन में आसानी तरीके से वीडियो एडिटिंग करने के लिए सीख जाओगे। इस एप्लीकेशन का खास बात है, इस एप्लीकेशन में हर सोशल मीडिया के वीडियो आप एडिटिंग कर सकते हो भी आसानी तरीके से, जैसे कि टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर सोशल मीडिया का वीडियो इस एप्लीकेशन में आप आसानी तरीके से एडिटिंग कर पाओगे। इस एप्लीकेशन का खास बात है, जो भी आप वीडियो में स्टिकर लगाना चाहते हो, इमोजी लगाना चाहते हो, जो भी टूल्स इस्तेमाल करना चाहते हो, हर मौजूद इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। बाहर से आप कोई भी चीज़ इस एप्लीकेशन में आपको डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर देना। जब भी मैं मोबाइल से रिलेटिव और YouTube से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो चलो मोबाइल के सीन पे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कौन सा एप्लीकेशन है और कौन सा एप्लीकेशन से परो तरीके से आप अपने YouTube वीडियो को एडिटिंग कर पाओगे, वो भी HD क्वालिटी में। कोई भी बंदा देख के हैरान परेशान हो जाएगा कि भाई आप कौन सा एप्लीकेशन से इतना हाई क्वालिटी में वीडियो को एडिटिंग करते हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे आपका टिकटॉक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब, कोई भी सोशल मीडिया का वीडियो यहाँ पे आप आसानी तरीके से एडिटिंग कर पाओगे। तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में से आप लोग एंड तक बने रहें। किसी भी सोशल मीडिया वीडियो एडिटिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो बहुत सारा प्रोजेक्ट मिल जाता है, बहुत सारा स्टिकर मिल जाता है आपको। थोड़ा नेट स्लो है हमारा, इसके लिए थोड़ा धीरे धीरे काम करें। बहुत सारा स्टिकर यहाँ से ले सकते हो आप, बना बना ये स्टिकर ले सकते हो किसी भी सोशल मीडिया के लिए। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे अब क्लिक करके यहाँ पे नए प्रोजेक्ट पे हर एनिमेशन यहाँ पे ऐड होते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिए देखिए हर फिल्टर मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम पे आप क्लिक करोगे तो हर देखिए यहाँ पे हर स्टिकर बना बनाया ऐसे मिल जाएगा इंस्टाग्राम वीडियो के लिए। यहाँ से आप कोई भी टूल्स ले सकते हो, कोई भी स्टिकर यहाँ से ले सकते हो अपने इंस्टाग्राम वीडियो के लिए, यहाँ से कोई भी टूल्स लेके इंस्टाग्राम वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए टिकटॉक का नज़र आ रहा है, टिकटॉक पे क्लिक करने के बाद जैसे आप टिकटॉक का वीडियो बनाते हो इस तरीके से एनिमेशन बना सकते हो टिकटॉक वीडियो के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारा एनिमेशन मिल जाता है, बहुत सारा स्टिकर मिल जाता है, कोई भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए किस तरीके से यहाँ पे देखिए एनिमेशन मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए यहाँ पे कितना टिकटॉक वीडियो इस तरीके से आप यहाँ से लेके इस प्रोडक्ट को यहाँ से लेके आप बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूट्यूब का मिल जाएगा, यूट्यूब का भी आइकन मिल जाएगा। देखिए यूट्यूब का जैसे इंट्रो बनाना था, इंट्रो बनाने के लिए बने बनाए ऐसा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि YouTube इंट्रो किस हिसाब से आपका बनेगा, इस हिसाब से आपका YouTube का इंट्रो बन सकता है, जिस हिसाब से आपको यहाँ पे स्टिकर में दिख रहा है इस हिसाब से आप अपना YouTube का इंट्रो बना सकते हो। लेकिन ये चीज़ तो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फुल वाले पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी बहुत सारे इमोजी मिल जाते हैं, बहुत सारे स्टिकर मिल जाते हैं, यहाँ से भी लेके अपने YouTube वीडियो में आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद सबसे यहाँ पे मेन मोटी बात है कि YouTube वीडियो को कैसे हम एडिटिंग करेंगे। तो एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए जैसे इस टूल्स को खोलोगे आप तो यहाँ पे नए प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे नए प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करते हो तो आपका जो भी YouTube का वीडियो रहेगा आपके सामने आ जाएगा। तो YouTube वीडियो यहाँ से आप एक YouTube वीडियो को टैप कर देना, उसके बाद यहाँ से YouTube वीडियो को इंपोर्ट कर लेना। जैसे यहाँ से आप YouTube वीडियो को इंपोर्ट करते हो यहाँ से कुछ सर्चिंग लेते हैं। सर्चिंग लेने के बाद यहाँ पे आपका देखिए आपका YouTube वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। हम इसको प्ले भी करते हैं तो देखिए किस तरीके से हम इसका आवाज़ बंद करके प्ले करते तो किस तरीके से देखिए हमारा YouTube वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो इसको हम स्टार्टिंग में लेके आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ देखोगे तो बहुत सारा टूल्स मिल जाता है। यहाँ पे सबसे खास बातें हैं कि यहाँ पे देखिए वीडियो को कट लगा दिया हम, कट लगाने के बाद जितना पार्ट में चाहे उतना पार्ट में आप यहाँ पे वीडियो को कट लगा सकते हो। यहाँ पे आवाज़ देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे मेन बात है आवाज़, यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सा आवाज़ कहाँ पे हमारा वॉइस खाली है, यहाँ पे हमारा वॉइस खाली है। तो यहाँ पे आप कोई भी एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से कट लगा के कोई भी एनिमेशन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर टूल्स का बात किया जाए तो यहाँ पे देखोगे कैंची का निशान आ जाता है, यहाँ पे आप कट करके देखिए यहाँ पे आप कट करके कोई भी टूल्स पे यहाँ पे आप कट करके यहाँ पे देखिए साइड से भी कट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कट हो गया तो यहाँ पे एनिमेशन लगाने के लिए इस एनिमेशन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी एनिमेशन किस हिसाब से आपका वीडियो प्ले होने के बाद शुरुआत में किस हिसाब से दिखना चाहिए, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए किस हिसाब से स्टार्टिंग में हमारा वीडियो
बनता है वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग अगर एंड तक वीडियो नहीं देखोगे तो आप अपने YouTube वीडियो को सही तरीके से एडिटिंग नहीं कर पाओगे। इसके लिए इस वीडियो में पूरा एंड तक आप लोग बने रहे तभी आप सीख पाओगे। यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि हमारा नेट स्लो है, इसके लिए थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए जैसे प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो आगे हम आपको दिखाते हैं आगे का स्टेप क्या है और आगे का स्टेप कैसे सही तरीके से फॉलो करना है। देखिए थोड़ा नेट स्लो होने के कारण से हमारा इतना स्लो चल रहा है अभी। तो जैसे पूरा हो जाता है हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे फिल्टर, कोई भी फिल्टर जैसे आपका वीडियो का स्टार्टिंग में किस हिसाब से आप रखना चाहते हो उस हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद अगर नीचे की तरफ देखोगे तो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है कि इसके बाद अगर नाम वाले अगर वीडियो के ऊपर में टैग्स लगाना चाहते हो तो किस हिसाब से, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे वीडियो दिख रहे उसी हिसाब से नाम यहाँ पे टैग्स लिख के लगा सकते हो। कौन सा फिल्टर में आपको चाहिए, कौन सा क्वालिटी में आपको चाहिए, कौन सा एनिमेशन चाहिए, यहाँ पे देखिए कुछ लाइटिंग का कुछ हिसाब से अलग हिसाब किताब से यहाँ पे आता है तो वो चीज़ भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो फाइनली ये पूरा हो गया। जैसे हम अपने वीडियो को आप एक बार प्ले किए तो देखिए किस हिसाब से आ गया। यहाँ को देखिए यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसको यहाँ पे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जहाँ रखना चाहो उस हिसाब से वहाँ पे उसको यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करके उस हिसाब से रख सकते हो जिस हिसाब से आपको चाहिए, जिस हिसाब से एनिमेशन आप लगाना चाहते हो, पानी वाले एनिमेशन या जो भी एनिमेशन आप लास्ट में लगाना चाहते हो या शुरुआत में लगाना चाहते हो तो हर एनिमेशन यहाँ पे आप लगा सकते हो। अगर फिल्टर का बात किया जाए तो बहुत सारे एनिमेशन मिल जाता है आपको। अगर देखिए यहाँ पे देखिए अगर आप इस पर आप क्लिक करते हो नीचे बहुत सारे यानी हज़ारों में आपको मिल जाता है। अगर टी वी वाली एनिमेशन आप लगाना चाहते हो कि शुरू में हमारे जैसे हमारे वीडियो स्टार्ट हो तो टी वी के वो फिल्टर, टी वी का जो बैकग्राउंड होता है, टी वी का जो वो एक खाँच होता है उस हिसाब से हमारा वीडियो आए पब्लिक के सामने तो उस हिसाब से इन एनिमेशन को यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारा टूल्स मिल जाता है। हमारा नेट यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है इसके लिए थोड़ा टाइमिंग ले रहा है, नहीं तो एचडी क्वालिटी में हर प्रोसेस में कर के यहाँ पे आपको बताता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ए टू जेड बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल करोगे तो इजी तरीके से आप इस्तेमाल कर पाओगे और आसानी तरीके से वीडियो को एडिटिंग कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए जितना भी फिल्टर है नीचे जितना भी एनिमेशन दिया है जो भी एनिमेशन अप्रूव होता है हर एप्लीकेशन हर एनिमेशन इसमें ऐड हो जाता है, ऑटोमेटिक से ऐड होने लगता है इसमें। तो देखिए हम यहाँ पे लास्ट पे आते हैं, शुरुआत में आते हैं। देखिए शुरुआत में हम आ चुके हैं। अगर इसमें सॉन्ग ऐड करना चाहते हो तो सॉन्ग पे आसानी तरीके से आप क्लिक कर दो, यहाँ पे सॉन्ग पे क्लिक कर सकते हो। उसमें अगर आपके फ़ोन में अगर सॉन्ग कोई भी पहले से आप डाउनलोड करके रखे हो तो सॉन्ग आप लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी बहुत सारा सॉन्ग ले सकते हो, यहाँ से भी सर्च करके भी यहाँ पे आप सॉन्ग यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप अपना वॉइस इस वीडियो में अलग से वॉइस लगाना चाहते हो तो यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे इस पर जैसे आप यहाँ पे आप टाइप करते हो जैसे यहाँ पे देख सकते हो हम अपना आवाज़ यहाँ पे हम कुछ भी आवाज़ यहाँ पे लगा के यहाँ पे आप डन कर सकते हो। डन करने के बाद देखिए आपका जो भी आप वॉइस रिकॉर्ड किए वो वॉइस यहाँ पे आ चुका है। इसको यहाँ से कट भी कर सकते हो जिस हिसाब से आप चाहो उस हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद हम फिर से स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। जैसे वीडियो है हमारा, इस वीडियो के अंदर में अगर आप कोई भी एक और वीडियो लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी वीडियो यहाँ से आप ले सकते हो। ऑल पे क्लिक करके कोई भी यहाँ से आप एक वीडियो ले सकते हो। देखिए हमारा नेट स्लो होने के कारण ये पूरा स्टिकर फाइल नहीं खुल रहा है। यहाँ से कोई भी इमोजी वाली वीडियो या कोई भी फनी वाली वीडियो यहाँ से लेकर आप अपने वीडियो में लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो बहुत सारा आपको इमोजी मिल जाता है, बहुत सारा जो भी इमोजी चाहिए उस हिसाब से इमोजी। देखिए यहाँ पे अगर आप अपने फेस को जो चीज़ आप ब्लर करना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे जिस चीज़ को आप ब्लर करना चाहते हो उस चीज़ को वहाँ पे सेव करके यहाँ से आप सेव करके लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे ब्लर हो चुका है, वो चीज़ हमारा नहीं दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ से देखिए अगर कुछ आप फायर के जैसे फायर वाले कुछ लिखना चाहते हो या कुछ एनिमेशन या आग वाले एनिमेशन लगाना चाहते हो, जैसे आग वाले पे हम क्लिक कर दिए तो यहाँ पे इसको सेट करके जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सेट कर चुके हैं इसको। देखिए उसके बाद हम यहाँ से देखिए दो एनिमेशन हमारा सेट हो चुका है। उसके बाद अगर आप चाहो तो दूसरा कुछ भी आप जो भी चीज़ चाहिए हर फिल्टर हर इसमें मिल जाता है। चलो हम इसको वीडियो को प्ले करते। देखिए फायर वाले यहाँ पे हम ऐड कर दिए, जो बैकग्राउंड आप नहीं दिखाना चाहते हो वहाँ पे हम लगा दिए। जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ से आप यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हो, कितना टाइमिंग के बाद कौन सा कौन स्टिकर आगे में आना चाहिए पीछे में आना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे इसको
एडजस्ट करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कितना फास्ट में आपका वीडियो चलना चाहिए, कितना स्लो में चलना चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। आपके वीडियो फास्ट में कितना फास्ट में दिखाना चाहती हो, स्लो में दिखाना चाहते हो, उस हिसाब से इसको टाइमिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है, तो ये बहुत सारा टूल्स मिल जाता है आपको। तो ये वीडियो यहाँ पे आने के बाद अगर आपका वीडियो का पूरा काम अगर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे देखिए जैसे वीडियो हमारा रहा, तो जैसे आपका वीडियो का काम कंप्लीट हो जाता है तो आगे हम आपको दिखाने वाला, जैसे समझ लो कि हम वीडियो को पूरा यानी एडिट जो भी चीज़ हमें लगाना था वीडियो में हमें वो चीज़ लगा चुके हैं। फिल्टर अगर आप कोई भी फिल्टर लगाना चाहते हो तो अपने हिसाब से यहाँ से देखिए फिल्टर भी हम आपको दिखाते किस क्वालिटी में यहाँ पे फिल्टर लगता है। एनिमेशन है, आप चाहते हो कि जैसे हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो किस क्वालिटी में हमारा वीडियो दिखाई दे, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम ऐड कर दिए। तो देखिए हमारा वीडियो का एक फ्रेम बन के आ चुका है। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए अगर ज़्यादा फ्रेम लगाना चाहते हो तो ज़्यादा वाले पे क्लिक करके आपको सेट कर देना है, तो उस पे हम क्लिक कर चुके हैं। तो दिखाते थोड़ा 2-4 सेकंड का प्रोसेस लेता है, क्या कि क्योंकि यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसके लिए। तो जैसे सर्चिंग पूरा हो जाता है तो हम दिखाते ये वाली एनिमेशन कितना इफेक्ट लग रहा है, कितना यूनिक लग रहा है देखने में। तो पूरा होने के बाद हम आपको दिखाते जैसे लोड ले रहे थोड़ा 2-4 सेकंड या 10 सेकंड भी टाइम लग जाता है, क्योंकि नेट स्लो होने के कारण आप लोग को पता है थोड़ा नेट स्लो होने के कारण ये सब ऐसा होता है। अगर आप इस वीडियो को अगर मिस कर जाते हो तो आप सही तरीके से इस एप्लीकेशन से वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाओगे। तो देखिए अभी फिल्टर पूरा हो चुका है, इस एनिमेशन किस क्वालिटी में एनिमेशन आता है देखिए, कितना यूनिक लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए यहाँ पे मेरा आवाज़ भी आ रहा है, किसी किसी में आवाज़ आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, कितना यूनिक लग रहा है देखने में। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो। अगर पूरा वीडियो आपका एडिटिंग हो जाता है यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो किस क्वालिटी में आप वीडियो को इम्पोर्ट करना चाहते हो। जैसे देखिए 1080 फुल HD में, उसके बाद HD में 480, 320 में, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे आपको सेट कर लेना है कितना क्वालिटी में आपको वीडियो को सेव करना है। अगर आप इस पर अगर टैक्स भी लिखना चाहते हो तो ये टैक्स पे आपको आसानी तरीके से, अगर आपको टैक्स लिखना है तो टैक्स पे आसानी तरीके से आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे आप टैक्स पे क्लिक करते हो, देखिए यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे टैग्स पे क्लिक कर सकते हो, तो कोई भी टैग्स भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो अब इस वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इससे बेहतरीन एप्लीकेशन मैं आज तक ये यूट्यूब के वीडियो एडिटिंग करने के लिए बेहतरीन वीडियो एडिटर कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ से आप इस वीडियो को इम्पोर्ट कर सकते हो। तो देखिए कितना जल्दी ये वीडियो हमारा इम्पोर्ट हो जा रहा है, कितना फास्ट में हो रहा है। अगर आप काइनमास्टर से करते हो तो इतना जल्दी आपका वीडियो इम्पोर्ट नहीं होता है, बहुत सारा टाइम लग जाए। तो उसमें कम से कम अगर 10 मिनट का वीडियो को आप इम्पोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट लग जाते हैं उस वीडियो को पूरा इम्पोर्ट होने में। लेकिन यहाँ पे देखिए एक मिनट के अंदर में वीडियो हमारा इम्पोर्ट हो चुका है। उसके बाद इस वीडियो को कहीं भी यहाँ पे रील्स पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। उसके बाद चला जाए एप्लीकेशन का बात किया जाए, तो एप्लीकेशन एप्पल के ऐप स्टोर में मिल जाएगा, गूगल का प्ले स्टोर में आसानी तरीके से ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप सर्च करते हो यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो, हम आपको दिखाते हो कौन सा एप्लीकेशन है पहले से हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो ये वाले VIT, देखिए ये वाली एप्लीकेशन को आप आसानी तरीके से प्ले स्टोर में और एप्पल के ऐप स्टोर में आसानी तरीके से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके फ़ायदा उठा सकते हो, देख लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग को छोटी सी वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर देना, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग।